गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में बहुत ही कम समय में एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है। देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलता है, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्रिकेट इधर आ गया, क्रिकेट इज प्लेज बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट इधर चला गया, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट को दिया गया है इम्पोर्टेंस, इसलिए यह पैसिव वॉइस है, और ये सब्जेक्ट को दिया गया है इसलिए एक्टिव वॉइस है। तो चलिए कुछ थोड़ा सा इसमें रूल समझ लेते हैं। सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा जाता है। जैसे ही अगर जाएगा इधर तो बाई हिम हो जाएगा, सी का बाई हर हो जाएगा, इट का बाई इट हो जाएगा, दे का बाई देम होगा, वी का बाई अस हो जाएगा, आई का बाई मी हो जाएगा, यू का बाई यू। तो चलिए टेंस वाइज इसको हम चेंज करते हैं, टेंस वाइज इसको चेंज करते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, प्रेजेंट में ही डज नॉट फ्लाई काइट, यानी वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो इसमें काइट को इधर ला देंगे, काइट इज नॉट फ्लोन बाई हिम, यानी काइट ऑब्जेक्ट है, और ये ही उधर जाएगा तो बाई हिम हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, इज एम आर लगता है तो काइट के साथ इज लगा दिया गया। ही इज नॉट फ्लाइंग काइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज भी इंग लगाते हैं, एम भी इंग लगाते हैं, आर भी इंग लगाते हैं, तो काइट इज नॉट बीइंग फ्लोन बाई हिम। प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज नॉट फ्लोन काइट, काइट हैज नॉट बीन फ्लोन बाई हिम, यानी इसमें हैज बिन और हैव बिन लगाते हैं तो काइट के साथ हैज बिन लगा दिए। और ये चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। अब आते हैं पास्ट टेंस में, ही डिड नॉट फ्लाई काइट, इसको लगाएंगे काइट वॉज नॉट फ्लोन बाई हिम। अब देखिए जैसे इसमें इज लगाते हैं, इसमें वो इज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वेयर लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखना सब में लगाता है, फ्लोन बाई हिम। अब ही वॉज नॉट फ्लाइंग काइट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें लिखें काइट वॉज नॉट बीइंग फ्लोन बाई हिम, इसमें वॉज और बीइंग लगाते हैं, ठीक। अब ही हैड नॉट फ्लोन काइट, पास्ट परफेक्ट, तो इसमें लिख देंगे काइट हैड नॉट बीन फ्लोन बाई हिम। अब देखिए इसमें क्या लगता है, हैड और बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में ही विल नॉट फ्लाई काइट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें विल भी शैल भी लगाते हैं पैसिव लगाते समय, ये हो जाए काइट विल नॉट बी फ्लोन बाई हिम, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ही विल हैव नॉट फ्लोन काइट, तो इसमें हो जाए काइट विल हैव नॉट बी फ्लोन बाई हिम। अब इसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन लगता है, तो काइट के साथ विल हैव बीन लगेगा, तो काइट विल हैव नॉट बीन फ्लोन बाई हिम, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अर्थात 12 में केवल 8 की पैसिव बनती है और 4 की पैसिव नहीं बनती है। हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई का यूज करते हैं। यही है जनरल रूल पैसिव वॉइस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।